So there's a person who has asked this question, that why don't we grow vegetables in the open space around our houses? Why don't we grow vegetables in the open space around our houses so that anybody who wants to take them can take them? Kya badhiya baat. Mukt garden, open gardens. Main gaya tha wahan America mein, California mein, Berkeley ke paas. Mera dost hai Jeff Rom, wahan pe mujhe leke gaya. Usne dikhaya ki purani railway line thi jo समुद्र के किनारे जब यहाँ पर जहाँ पर जहाज आया करते थे वहाँ तक सामान ले जाने के लिए बनी थी. फिर बड़ी बड़ी लाइनें बन गई, उनको समुद्र उनको रेलवे लाइन की जरूरत नहीं पड़ी. तो जो दोनों जगह थी रेलवे लाइन की दोनों तरफ वो खाली पड़ी थी. तो कुछ लोगों ने वहाँ पर पौधे लगाए सब्जियों के. कोई भी आकर उनको तोड़ ले. टमाटर कौन खाएगा क्या पता, तुलसी के पत्तों की चाय कौन बनाएगा क्या पता. हम किसी पेड़ के नीचे जब बारिश आती है खड़े होते हैं तो पूछते हैं किसी पेड़ किसने लगाया था. कोई टैक्स देते हैं क्या, किराया देते हैं? कभी खड़े हुए हो पेड़ के नीचे बारिश में? इसका टैक्स कहाँ है? किराया दो. किराया मिलना चाहिए भाई, उस पेड़ को किराया नहीं मिलना चाहिए? तुम तो हर चीज़ के पैसे ले लेते हो यार. तुम लोग जो बनाते हो बाजार में बेचते हो, उस पेड़ से पेड़ को किराया नहीं मिलता जिसके नीचे आप बारिश में खड़े थे. बड़ा अच्छा विचार है भाई, आई लाइक दिस आइडिया. कौन है, क्या नाम है उसके बच्चे का? प्रदीप, आई लाइक दिस आइडिया. यू नो देयर आर मेनी गुड आइडियाज दैट यू कैन एक्सपेक्ट लाइक दिस. सम पीपल मेक सीड बम. क्या? बीजों का बम. बीज लिए, उनको केले के पत्ते में किसी में बांध दिया और जहां खाली जगह पड़ी है फेंक दिया. वहां पर फेंकोगे? फेंक देना यार. सीड के बम बनाओ और खाली जगह में फेंक दो और चले जाओ वहां से भागकर. अब किसी को क्या मालूम, तो वो बीज बनेंगे ना, पेड़ बनेंगे ना, उनके पौधे उगेंगे. कहीं तोरई उगेगी, कहीं लौकी उगेगी, कहीं टमाटर उग जाएगा. उगने दो, जिसको खाना है खाए, खाली जगह क्यों रहे? ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया प्रदीप, ये बहुत अच्छा आइडिया है. और बताओ भाई. तो मैं चाहूंगा कि अभी हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेसन. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल दोज ऑफ यू हु आर ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे, 71st एनिवर्सरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, are participating in this program from around the country and around the world. I'm really happy. Please keep sending your comments, keep sending your questions, keep sending your beautiful ideas. The first part, we decided that we will all go back and do an exercise today. We will write the beautiful things. We will write the beautiful things around us that we see. And we will make a list of unmet social needs. Aisi zaruratein, aisi cheezein jinko आज तक हल नहीं किया गया, जिनसे हमारी माँ को, बहन को, दादा को, दादी को, हमारे पिता को, माता को, हमारे दोस्त को, हमको, हमारे पड़ोसी को या किसी भी रिक्शे वाले को तकलीफ होती है. एनी बडी हुज इनकन्वीनियंस, हुज डिसकम्फर्ट, हुज प्रॉब्लम बॉदर्स यू. आप लिस्ट बनाएंगे उसके. आपने चाय पी है? सबने चाय पीते हो? आपको मालूम है चाय की पत्ती कैसे इकट्ठी करते हैं? कैसे करते हैं, किसी को पता है कैसे करते हैं? देखा है कभी पिक्चर में? देखा है किसी में चाय के बागान? देखें कभी फोटो देखिए. हाँ, तो कैसे उठाते हैं चाय की पत्ती को? कहाँ रखते हैं चाय की पत्ती को? पीछे. जरा मेरे साथ सब लोग अभी चाय की पत्ती इकट्ठी करेंगे, ठीक है? तो हम लोग चाय के बागान में खड़े हैं, ठीक है? और रोकना नहीं जब तक मैं नहीं कहूँगा. अब हम लोग पत्ती उठाएंगे ऐसे, फिर डालेंगे. चलो डालो पत्ती, उठाओ डालो पत्ती, उठाओ डालो पत्ती, उठाओ डालो पत्ती, उठाओ डालो. हम लोग पत्ती, हम चाय की पत्ती इकट्ठी कर रहे हैं भाई. आज चाय पीनी हमको बढ़िया सी. चाय की पत्ती इकट्ठी कर रहे हैं. करते रहो करते रहो करते रहो. चाय की पत्ती उठाओ, चाय की पत्ती उठाओ, चाय की पत्ती उठाओ, चाय की पत्ती उठाओ. वी आर प्लकिंग टी लीव्स इन द गार्डन एंड पुटिंग इन द बास्केट बिहाइंड. वी आर प्लकिंग टी लीव्स. कहीं दर्द हो रहा है? आपने शुरू हुआ, कहाँ पर दर्द हुआ बताओ? टेल मी वेयर डिड यू फील पेन. कहाँ कहाँ दर्द हुआ हाथ में? यहाँ हुआ ना, और थोड़ा सा यहाँ हुआ ना. इमेजिन द कंडीशन ऑफ दैट लेडी, द टी प्लांटेशन वर्कर हु पिक्स अप दिस लीव्स 2,000-3,000 टाइम्स अ डे. वुडंट शी फील पेन? उसको दर्द नहीं होता होगा? हमने तो कुछ किया नहीं उसके लिए. 100 साल से ज़्यादा हो गया चाय के बागानों को लगाते हुए हमारे देश में, 100-150 साल हो गए, लेकिन हमने कुछ किया नहीं उसके दर्द को कम करने के लिए. जब चाय पीते हैं तो दर्द महसूस होता है? हैं बच्चों, होता है? डू वी फील द पेन व्हेन वी टेक अ कप ऑफ टी? डू वी फील द पेन ऑफ द टी प्लांटेशन वर्कर, द लेडी हु प्लक्स दीज बर्ड्स ऑफ द टी एंड ब्रिंग्स देम टू हर
basket behind the way we did it just now. In about 10-15 times exercise, we had a pain. She does it 1,000, 2,000, 3,000 times. And we don't experience the pain when we take the tea. How will this world change, tell me, if we continue to take our cup of tea every day without bothering about the pain that the worker feels? Mujhe batao. Kabhi badlega samaj? Nahi badlega. Nahi badlega. Agar hum roz chai piyenge aur chai ko patti ko ikhatta karne wale behan ki dikkat ko, maa ki dikkat ko nahi mehsoos karenge, to desh nahi badlega. Aap kitni bhi yojnaen bana lijiye, koi fark nahi padta. Koi fark nahi padta. कुछ लोगों ने अभी मार्च की दिल्ली में बगल अलग शहरों में विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा पैसा आना चाहिए. यही बात है. किस विज्ञान के लिए? वो विज्ञान और तकनीक जो सो जाते हैं ऐसी दिक्कतों को देखकर. नहीं भाई, ऐसे विज्ञान के लिए पैसा नहीं चाहिए मुझे. उस विज्ञान के लिए चाहिए, उस तकनीक के लिए चाहिए जिससे समस्याएं हल होती हैं समाज की. द साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रियल पीपल, आवर पीपल, दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट गेट मोर मनी. But the technology which makes us indifferent to these problems, I don't want them to get more money. Please, very clear. Sir, duniya ko bata deta hu. Mujhe nahi pasand hai. Aap badi badi kaam karo, shodh karo, sab kaam theek hai. Kahin kahin to uske bare mein us shodh ka fayda un logon ko milna chahiye jo 100 saal se takleef utha rahe hain. Aapne chawal to khaya? Aaj dopahar mein aapko chawal milega khane mein, theek hai na? धान की रुपाई कैसे करते हैं पता है? किसी ने कभी खेत में गए हो? कभी किसी ने देखी है फोटो कैसे करते हैं धान की रुपाई? कैसे करते हैं बताओ, 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 खड़े होकर बताओ. कैसे खड़े हो, कैसे करते हैं दिखाओ, सबको दिखाओ. हाँ, रुपाई करो. हाँ नहीं, यहीं पर करना तो करना, तो रुपाई करो. ऐसे ये खेत है, ये खेत है, खेत में रुपाई करो. खेत में पानी होता है. हाँ, आप करो रुपाई करो, रुपाई करो. कर थोड़ी देर कर, चल चल, एक दो तीन फुट चल. नहीं, चल चलते जा. हाँ, लगा, फिर आगे चल. खड़ी में तो बार बार थोड़ी खड़े होते हैं. चल, झुकी रहे, झुकी रह, जा दिया. आगे चल, आगे चल, और चल, और कर, थोड़ी सी रुपाई कर ले, थोड़ी सी रुपाई. शी इज प्लांट ट्रांसप्लांटिंग पैडी, यू नो दैट शी इज ट्रांसप्लांटिंग पैडी. क्या नाम तेरा बेटा? दिव्या. अब जब बार बार झुकती है तो क्या होता है? वो कितनी देर करती होगी? पूरा दिन करती है ना, और कितने दिनों तक करती है ना? कमर में दर्द नहीं होता उसकी? होता है. बैठ जाओ बेटे. आप डू यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग? आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमें तो वो तकलीफ महसूस नहीं होती, लेकिन दिव्या ने अभी 4-5 धान की पौधे लगाए थे, ज़्यादा नहीं लगाए थे अभी, है ना? 4-5 लगाने में तो उसको कमर में दर्द हो रहा था. अब आप बताओ, जो हजारों पौधे लगाएंगे खेत में धान के, उनके कितना दर्द होता होगा? और ज़रा बताओ तो सही. वो ऐसे झुक जाती है और ऐसे बैठ नहीं सकती, क्योंकि अगर बैठेगी तो यहाँ पर गीला हो जाएगा ना. तो वो ऐसे झुकती है और ऐसे ऐसे करके धान को लगाती जाती है, ऐसे ऐसे कर. और पैरों में, पैरों में, पैर कीचड़ में है तो पैरों में छाले हो जाते हैं, कई बार अल्सर हो जाते हैं. उसमें फिर तकलीफ होती है, खून बहता है उसके अंदर. जब खून बहता है तो कीड़े और आते हैं उसको खाने के लिए, दूध खून को पीने के लिए. बहुत तकलीफ होती है, ठीक है. कमर में दर्द होता है, बैठ भी नहीं सकती सीधी, वो कोई पानी भरा हुआ है खेत के अंदर. बट वी डोंट रियलाइज दैट पेन व्हेन वी ईट राइस. नहीं होता ना महसूस? होता है. तो ऐसी शिक्षा, केवी साहब, ऐसी शिक्षा जो हमको संवेदनाओं से दूर ले जाए, वो शिक्षा सार्थक नहीं है. एन एजुकेशन विच टेक्स अस अवे, डज नॉट मेक अस रियलाइज दिस प्रॉब्लम, इज नॉट ए रियल एजुकेशन, इज नॉट ए गुड एजुकेशन. लेट मी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. सही बात है कि नहीं? ऐसी शिक्षा जो हमारे मन में तकलीफ पैदा ही नहीं करती, दिखता है लेकिन दुखता नहीं है, दिखता है लेकिन दुखता नहीं है, दिल देखता तो सब कुछ है, ऐसी शिक्षा हमें नहीं चाहिए भाई. ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए हमें. चाहिए वो शिक्षा जो हमारे मन में दुख पैदा करे जब किसी और को दुख हो. इसका एक बड़ा सुंदर शब्द है, गुजराती में भी है, उड़िया में भी है, हिंदी में भी है, संवेदना. सुना है? संवेदना का अर्थ कौन बताएगा? क्या होता है संवेदना का अर्थ? कोई बच्चा बताए?
संवेदना का अर्थ क्या होता है? गुजराती में बताओ, हिंदी में बताओ, किसी भाषा में बताओ, इंग्लिश में बताओ। हाँ बताओ बेटे। क्या नाम बच्चे? संदीप के लिए ताली बजा दो एक बारी भाई, और दिव्या के लिए भी ताली बजा दो एक बारी। और क्या नाम था तुम्हारा? शुभी के लिए भी ताली बजा दो। सबके लिए ताली बजाओ, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। संदीप की शब्द बड़े अच्छे लगे मुझे, बोला अभिव्यक्ति कितना सुंदर शब्द है हिंदी का, उसने उसकी हिंदी बहुत अच्छी है। बोला जब हम किसी सुख को देखते हैं तो जब हमें सुख की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है वो संवेदना है। जैसे कि हम किसी का दुख देखते हैं तो दुख होता है। देखो संवेदना का अर्थ है सम माने बराबर, वेदना माने दर्द। जब दूसरे का दुख दूसरे का दर्द मुझे उतना ही गहरा महसूस हो जितना उसको होता है तो वो दर्द उसका नहीं मेरा हो जाता है। ठीक, वो दर्द किसका है? अब तो मेरा हो गया ना। उस दर्द को दूर करने के लिए जब मैं आविष्कार करूं तो वो नए आविष्कार संवेदनशील सृजनशील आविष्कार हो जाते हैं। ठीक बात है ना। तो मैंने वो आविष्कार क्यों किया? मैंने उस तकलीफ को, उसकी तकलीफ को दूर नहीं किया, अपनी तकलीफ को दूर किया। आई एम नॉट डूइंग ए फेवर टू एनीबडी, आई एम नॉट डूइंग एन ऑब्लिगेशन ऑन एनीबडी, आई एम नॉट डूइंग a charitable work, I'm not trying to help somebody who is in pain, I'm trying to help my own soul which is in pain now because I have internalized somebody else's pain as my pain. Maine dusre ki takleef ko apna takleef bana liya, ab main apni takleef ko dur kar raha hu, mujhe neend nahi aa rahi hai uski wajah se, mujhe takleef ho rahi hai uski wajah se. Us takleef ko dur karne ke liye, us takleef ko dur karne ke liye main jab sadhanshilta karunga, jab naye naye avishkar karunga ya karungi, वो है संवेदना से सृजनशीलता का जन्म, संवेदना से सृजनशीलता की यात्रा। सही बात है। तो अब हम दूसरे पार्ट में क्या करने वाले हैं? हम संवेदना से सृजनशीलता की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन चलने के बीच में रास्ते में दो तीन पड़ाव आएंगे। पहला पड़ाव क्या आएगा कि जब दर्द को मैंने अपना बनाया तो मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊँ। अरे भाई इतनी तकलीफ़ है दुनिया में, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, इतनी सारी समस्याएं मैं कैसे सोल्व करूँगा, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ या बच्ची हूँ, ये तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे साइंटिस्ट हैं, इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार है, वो लोग करेंगे ना तो मेरा काम ख़राब हो गया, मेरा पढ़ाना बेकार हो गया, आई हैव वेस्टेड माई टाइम, आई फेल्ड इन माई ड्यूटी एज अ टीचर बिकॉज आई हैव मेड यू हेल्पलेस। नेवर लर्न टू बी हेल्पलेस, पहली बात। When you internalize somebody else's pain, जब आप किसी की तकलीफ को अपना लें, don't feel helpless, असहाय मत महसूस करो, समझ लिया ना? हम कमजोर नहीं हैं, छोटा दिखता है ये बच्चा, देखने में छोटा है लेकिन इसकी भाषा कितनी अच्छी है, विचार कितने अच्छे हैं, ठीक है ना? तो जिसके पास विचार हैं, जिसके पास आइडियाज़ हैं, जिसके पास नए नए काम करने की क्षमता है, जिसके पास अपनी बात को कहने की क्षमता है, वो कमज़ोर कैसे हो सकता है? सो फर्स्ट स्टेप दैट वी मस्ट रिमेंबर इज व्हेन वी आइडेंटिफाई समबडीज प्रॉब्लम एज आवर ओन, जब हम किसी की तकलीफ को अपना बना लें तो निरुत्साहित ना हो, डिसअपॉइंट ना हो, हेल्पलेस निसहाय ना हो, पहली बात। क्योंकि उस अगर हम निसहाय हो गए तो फिर सृजनशीलता का जन्म नहीं होगा। अगर हमने अपने आप को निसहाय बना दिया तो सृजनशीलता का जन्म नहीं होगा, होगा नहीं होगा। वी विल लर्न टू लिव विद द प्रॉब्लम, विल गो इनटू डिप्रेशन, विल थिंक अबाउट दैट, फील बैड सैड, बट नथिंग विल चेंज। दूसरी बात भाई, कोई चीज़ बहुत सारी गलतियां आपने तो की नहीं है वो कमी, ठीक है ना, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और का काम है, वो भी मत करो। डोंट एक्सटर्नलाइज रीजंस ऑफ रॉन्ग, ये मत कहो तकलीफ तो उसकी हो रही है लेकिन मैं महसूस करती हूँ, लेकिन मेरी कम, मैंने थोड़ी तकलीफ पैदा की है तो मैं क्यों जिम्मेदार बनूँ उसके लिए, है ना भाई? ये भी गलत बात है। आपने तकलीफ पैदा नहीं की लेकिन आपने उस तकलीफ को महसूस तो किया, है ना? ये देश
ये संसार जो बदला है आज तक, उन लोगों के कारण बदला है जिनको वो तकलीफ़ें दिखीं। तो मंसूर भाई जगानी को अमरेली में जब 1992 में उन्होंने साथी का आविष्कार किया, और लोगों ने उसके बाद और लोगों ने भी किया, कई देश के अलग अलग स्वराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में, एक भाई आया उनके पास, बोला भाई ऐसा है मेरे पास, अब आजकल अनाज बारिश की कमी थी उस समय, तो पहले भी थी, और इतने सारे साधन नहीं थे स्वराष्ट्र में पानी को इकट्ठा करने के, तो अकाल पड़ता था वहाँ पर कई बार। तो लोग बोले भाई चारा नहीं है मेरे पास बैल को खिलाने के लिए, अच्छा, और इतने पैसे नहीं कि मैं ट्रैक्टर खरीद सकूँ। तो मोटरसाइकिल पर आया था बात करने के लिए मनसुख भाई से, वो अपना मिस्त्री थे अमरेली में काम करते थे। तो बोला यार तेरे पास मोटरसाइकिल तो है? तो बोला मोटरसाइकिल से क्या खेती होती है? बोला क्यों नहीं हो सकती, कैसे होगी? मैं बना देता हूँ एक हल। तो उसने एक हल को मोटरसाइकिल में लगाया, साथी का जन्म हो गया। हजारों लोगों ने साथी से अपने गांव खेत में खेती करी, फिर उसमें और आविष्कार हुए, सनेड़ो हांडियो बना, सनेड़ो बना, काफी सारे आविष्कार हुए। मतलब कि एक श्रृंखला, एक उसने अगर ये कह लिया होता भाई नई खेती होती तो मैं क्या करूँ, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है ये, कोई तो मेरे पास कुछ चीज़ लाएगा मैं मरम्मत कर दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, तू मोटरसाइकिल छोड़ जा, मैं इसी के अंदर फेरफार करके, क्या होता है कि जो इंजन होता है वो 3000 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट की रफ्तार से चलता है, और पीछे क्योंकि हल के अंदर ताकत चाहिए तो रिवॉल्यूशन कम करनी पड़ेगी, तो एक बड़ा गियर लगाना पड़ता है, उससे रिवॉल्यूशन 1200 पे लाया। वो बहुत रिसर्च करी उसने, किसी साइंटिस्ट ने नहीं की, किसी इंजीनियर ने नहीं की, एक गांव के मिस्त्री ने की, हजारों लाखों लोगों का भला हुआ स्वराष्ट्र में उससे भाई। वो लोग जो बैल नहीं रख सकते थे, वो लोग जो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते थे, उनकी दिक्कत को मनसुख भाई जगानी ने दूर कर दिया भाई। उनको राष्ट्रपति जी ने अपने यहाँ 2 हफ्ते तक मेहमान बना के रखा था भाई, एज ए इनोवेशन स्कॉलर इन रेजिडेंस। तो ऐसा भी नहीं कि सम्मान नहीं मिला उनको, सम्मान तो मिला, एनआईएफ ने पुरस्कार दिया। षष्ठी ने उनकी साथी को कीनिया में पहुँचाया, अफ्रीका में, अभी अफ्रीका के लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब उसकी जानकारी से पूरी दुनिया में फैले लाभ हो, ऐसा कोशिश की। अगर उसने सोच लिया होता तो ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मैंने थोड़ी पैदा की है, आपके पास बैल नहीं तो मैं क्या करूं, तो ये आविष्कार नहीं होता था। तो पहली बात, उदास नहीं होना है, निस्सहाय नहीं होना है। दूसरी बात, किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना है उस कमी के लिए जो आपको मन में आ रही है, ठीक। तीसरी बात, बड़ी सरल बात है, कि जब आप महसूस करो हो सकता है कि आपके मन में कोई समाधान नहीं आएगा, साथियों से बात करो, अपने फ्रेंड्स के साथ लंच में बैठ जाओ दोपहर के खाने के टाइम पर, चलो भाई खाना खा रहे हैं, यार एक प्रॉब्लम मेरे मन में आ रही है, मुझे नहीं मालूम इसको कैसे करना है, तुम्हारे मन में कुछ आइडिया तो बताओ, ठीक है ना। हम लोग गप मारते हैं, कौन सी हीरोइन का कौन से हीरो के साथ चक्कर चल रहा है सब बातें कर लेते हैं, करते हैं ना। वी नो अबाउट एवरी अफेयर इन फिल्म इंडस्ट्री, सबके बारे में पता होता है हमको, लेकिन ये नहीं पता करते कि जो समस्या हमारे मन में आ रही है, हाउ डू वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम। वी नो अबाउट अफेयर्स ऑफ एवरी फिल्म एक्टर, वी नो अबाउट ट्रिविया, वी नो अबाउट नॉनसेंस, थिंग दैट वी डोंट शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट, बट यूथ ऑफ दिस कंट्री, चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री आर ऑक्यूपाइड विथ ट्रिविया, बेकार की बातों में दिमाग लगा रखा है, नहीं चाहिए भाई वो। क्या करना है हमें, थोड़ा समय लंच के टाइम, शाम को घर जाते वक्त अपने दोस्तों से बात करनी है, यार ये प्रॉब्लम मेरे मन में आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तुम्हारे मन में कोई आइडिया तो बताओ। कोलैबोरेटिव लर्निंग, वो दिन गए जब न्यूटन बैठा था एक पेड़ के नीचे, सेब गिरा और आविष्कार हो गया। अब बहुत सारे शोध ऐसी हैं कि जिनको मिलजुल के करना पड़ता है एज ए टीम, ठीक है, टीम अपनी बनाओ आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कौन किससे बात करनी, वो आपके दोस्तों से बात, आप अपने आप दोस्त बनाओ अपने, लेकिन उनसे थोड़ा समय अपना टाइम, फ्री टाइम जो है उसको प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में लगाओ, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में जिसका समाधान आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक। विद दीज 3 सिंपल स्टेप्स, फर्स्ट वी डोंट हैव टू फील डिस्पॉन्डेंट, वी डोंट हैव टू फील हेल्पलेस, सेकंड वी डोंट हैव टू एक्सटर्नलाइज द रीजंस ऑफ आर इनएबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशन, वी हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, एंड थर्ड इफ वी कांट सॉल्व इट इंडिविजुअली वी हैव टू डिस्कस इन द ग्रुप, हम ग्रुप में बात करेंगे, तो फिर कोई कारण नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समाधान तो आएगा भाई। अपनी क्लास के बाहर एक बोर्ड लगा दो, भाई ये यहां पर हमारे घर के पास एक कुआं है, उसमें चमगादड़ बहुत हैं, उसके आसपास पेड़ों पर चमगादड़ की जो विष्ठा होती है
उसका क्या प्रयोग होता है? 1933 में एक किताब मिली, कल मैं अपने घर के बहुत सारी पुरानी किताबें निकाल रहा हूँ, तो रमेश एक किताब मिली मुझे, जिसका आप रिव्यू करेंगे लोक सरवाणी में भी और हनी भी में भी, उसमें 1933 की किताब मिली मुझे वो। अब उसमें जो चमगादड़ है उसकी विष्ठा में 8% नाइट्रोजन होता है भाई, सबसे ज़्यादा किसी चिड़िया की विष्ठा में नाइट्रोजन है तो वो चमगादड़ की। तो मैंने तो कभी पढ़ा नहीं था कि चमगादड़ की विष्ठा जो है इतनी अच्छी खाद बन सकती है, उससे जाओ भी इकट्ठे कर लो वहाँ पर, क्या दिक्कत है। तो मतलब कि बहुत सारी हमारे आसपास बहुत सारी समस्याओं के समाधान है लेकिन हमको नहीं मालूम। तो आप वहाँ बोर्ड पे लगा दो कि भाई इसका किसी के पास कोई उद्देश्य, कोई हमारे पास, हमारे घर के आसपास बहुत चमगादड़ हैं, वो पेड़ पे बैठती हैं, कई बार देखा हो ना पेड़ों पे चमगादड़ होती हैं बहुत सारी, तो वो रात को निकलती हैं, दिन में सोती रहती हैं, तो वहाँ पर उनकी विष्ठा गिरती है, उसको इकट्ठा करके खाद बना लिया, पौधों में लगा दिया, उसमें और तत्व बहुत सारे होते हैं। तो मतलब कोई सवाल आए तो उसको हम लिख सकते हैं। आप बस से जाते हैं तो बस स्टैंड पर लिख दीजिए, यू कैन राइट ऑन अ बस स्टैंड। इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय मेट्रो और ट्रेन स्टेशन, यू कैन हैव ए, यू कैन रिक्वेस्ट द स्टेशन मास्टर, प्लीज पुट अ बोर्ड हियर, आई वॉन्ट टू पुट माई क्वेश्चन हियर, सो दैट एनीबडी ट्रैवलिंग बाई ट्रेन कैन गिव अ आंसर। सही है ना। BRTS को बोलो भाई, BRTS वालों आप लोग एक बोर्ड लगा दो, जो अर्बन रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हर एक बस स्टैंड पर अगर हमें किसी को कोई अपनी बात समझानी है, किसी से बात पूछनी है तो हम पूछ लेंगे। अंत में एक बात कहूँगा उससे पहले कि आज की सभा समाप्त करें, आज की क्लास समाप्त करें। सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या थी? आपको बैठना है और जो चीज़ें सुंदर हैं आसपास उनकी लिस्ट बनानी है, और जिन चीज़ों से तकलीफ है उनकी लिस्ट बनानी है। सेकेंड एक्सरसाइज, यू हैव टू सिट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स और टॉक टू ग्रैंड पेरेंट्स और टॉक टू ग्रैंड अंकल एंड आंट, जो भी आपके आसपास हैं, बूढ़े दादा दादी, बूढ़े जो आपके दादा दादी हैं, बूढ़े माता पिता हैं, बूढ़े दानियाँ हैं, नानी हैं, उनके साथ बैठकर और क्या पूछना है कि दादी ये बताओ, तुम आज भी इतना चल लेती हो, बोझा भी उठा लेती हो, हैं, खाती भी थोड़ा सा हो, काम इतना कर लेती हो, थकती नहीं हो, ये चक्कर क्या है? चक्कर क्या है, कैसे करती है ये काम? कुछ तो होगा ना। बोलेगी बेटा ऐसा है कि जब तुम लोग सब्जियां खाते हो ना, तो तुम सब्जी को काट कर फिर धोते हो, हम लोग धोकर फिर काटते थे। फर्क पता चला? काट के धोएंगे तो क्या होगा, क्या होगा काट के धोने से, बोलो? अगर काट के धोएंगे तो क्या नुकसान होगा, और धो के काटेंगे तो क्या फर्क है उसमें, कौन बताएगा मेरे को? कोई तो बताना पड़ेगा, किसी को तो बताना पड़ेगा। हाँ बताओ दिव्या, बच्ची होशियार है। काट के धोएंगे तो उसमें जो प्रोटीन होगा वो कम हो जाएगा, और जो धोके काटेंगे तो उसमें जो जीव जंतु माटी होगी वो दूर हो जाएगी और तत्व उसके अंदर रहेंगे। ताली बजा दो इसके दीवार। लेकिन बेटा ऐसा है, तेरी समझ में तो आ गई बात, लेकिन हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ना और जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उनके दिमाग में नहीं आई बात। मैंने रेलवे मिनिस्टर को भी लिखा कि भाई 2 करोड़ लोग ट्रेन से रोज सफ़र करते हैं, यार मेरी बात पहुंचा दो उन तक कि सब्जियों को काट के धोना नहीं है, धो के काटना है। मैं अभी तक सफल नहीं हुआ, लेकिन तेरी बात समझ में आ गई, इसकी मुझे खुशी है। अगर इस क्लास से आई विल वेरी हैप्पी इफ सिंपल मैसेजेस लाइक दिस यू कैन स्प्रेड अराउंड and write on the board outside. So what I want you to do is go to the elders. Go to the elders of your family, your society, your neighborhood, and ask them those lessons of life which made them healthy, which made them happy, which made them cooperative, which made them respectful. Hamare Rashtrapati ji ne kal badi achhi baat kahi. Unhone kaha pehle koi shaadi vivah hota tha to sare gaon ke log judte the, योगदान करते थे, सब मिलके सारा काम हो जाता था, किसी एक व्यक्ति पे बोझा नहीं पड़ता। ऐसा बोला हमारे राष्ट्रपति जी ने कल अपने भाषण में, ठीक है ना? सही बात है, वो बहुत सुंदर बात है। तो ये बातें कहाँ से मालूम पड़ेंगी, कौन बताएगा ये बात? तो इसके लिए हमें बुजुर्गों के पास जाना पड़ेगा, ठीक है? तो सेकेंड असाइनमेंट ऑफ द डे इज यू विल ऑल गो टू सिट विद द एल्डर्स, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, काका काकी, हैं, पड़ोस में हों,
अपने परिवार में हो कोई परवाह नहीं करता। कोई दादा कोई रिक्शे वाले हैं ऑटो रिक्शा वाले बूढ़े से हैं उनसे भी बात करो, वो भी दादा ही हैं अपने, ठीक है ना। ये ध्यान नहीं रखना है गरीब है कि अमीर है, हमारे संबंधी हैं कि हमारे काम का मददगार हैं, कोई बुजुर्ग हैं, हमें सीखना है। आपको मालूम है राम ने क्या किया था जब युद्ध खत्म हो गया तो क्या कहा था लक्ष्मण को, क्या कहा था, किससे सीखने को कहा था? चुप रहिए आप लोग, सब टीचर चुप रहेंगे, बच्चे बताएंगे। क्या कहा था लक्ष्मण को, किसके पास भेजा था सीखने के लिए? भेजा था ना किसी के पास, किसके पास भेजा था राम ने लक्ष्मण को सीखने के लिए? What did Ram say to Lakshman when the fight was over? Ravan was lying on death bed. भूल गए? तो राम ने कहा ये रावण जो है ना बहुत योगी था भाई, बहुत ज्ञानी है, लक्ष्मण जाओ और उनसे सीख के आओ। तो लक्ष्मण गया, बोला भाई मैं तो आना नहीं चाहता था, मेरे भाई साहब ने कहा है कि तुम बहुत ज्ञानी हो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, वरना तो मैं तो क्यों आता, कुछ जो सिखाना है तो सिखा दो। तो रावण चुप रहा, कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण वापस आया, राम से बोला देखिए भैया आपने कहा था तो मैं चला गया, लेकिन देखो कितना घमंडी है कितना दम्भी है वो, मृत्युशैया पे पड़ा है लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। तो राम ने कहा भाई कहाँ खड़े हुए थे, क्या हुआ था? तो उसने बताया मैं सिर के पास खड़ा था उनके, तो अब की बार जाओ और पैरों की तरफ खड़े होना और सिर झुकाना नीचे, आँखों से आँखें मत मिलाना, सिर झुकाना एंड देन उसके बाद पूछना कि महाराज आप ज्ञानी हैं, आप अगर कोई अपने जीवन का संदेश मुझे देना चाहें मैं आपसे सीखने आया हूँ। एंड दैट इज़ वॉट ही डिड एंड ही गॉट इमेंस लर्निंग ऑफ हिज लाइफ। यानी हमारी संस्कृति में रावण से भी सीखने के लिए कहा गया है। इन आवर कल्चर वी हैव बीन टोल्ड टू लर्न इवन फ्रॉम रावण हु हैड गिवन सो मच ऑफ पेन टू राम एंड सीता, करेक्ट? सो देर इज नो बडी फ्रॉम हुम वी कैन नॉट लर्न। दुनिया में कोई नहीं है जिससे हम सीख सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो चीन में हो, चाहे कहीं अफगानिस्तान में हो, चाहे वो रूस में हो, कहीं भी हो, कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, फर्क नहीं पड़ता, हम सबसे सीखेंगे भाई। हाँ, मेक एन एफर्ट जब आप जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज है कि जो बुजुर्ग हैं चाहे वो बड़े हों, संत रविदास तो जूतों की मरम्मत करते थे, कबीर तो जब कपड़ा बुनते थे, कि कितने अच्छे अच्छे उन्होंने दोहे लिख दिए। तो सीखने के लिए कभी हमारे मन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये तो गरीब हैं, ये तो कपड़े इनके अच्छे नहीं हैं, ये सड़क के किनारे बैठे हैं, इनसे मैं क्या सीख सकती हूँ? नहीं, सीख सकते हैं, सबसे सीख सकते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ, सिर को झुकाकर हम सीखेंगे तो सीखेंगे। तो आप कोशिश करना एक बुज़ुर्ग ऐसे हों जो आपके परिवार के हैं, एक बुज़ुर्ग ऐसे हों जो आपका कोई नाता नहीं है, जो थोड़ा गरीब परिवार के हों, दोनों के पास जाना है और सबक सीखना है कि आपके जीवन के जो सिद्धांत हैं, जो जो आपने अपने जीवन में सीखा है अच्छी बात हमारे जो काम आएगी, ऐसी हमें बात बताइए, लिख के भेजिए। सो लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग देयर आर टू एक्सरसाइजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे दैट ईच वन ऑफ यू हैज टू डू एंड सेंड इट टू अस एट info@sashti.org sristi.org। आई एम गोइंग टू राइट हियर। आओ चलें आविष्कार करें। इस कोर्स का पहला सबक आज पूरा होता है। इस कोर्स में जो हमने इंटरनेट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचाने की कोशिश की है, देश के अलग अलग कोनों में पहुंचाने की कोशिश की है, आई विल वेरी हैप्पी टू गेट योर फीडबैक। दोज ऑफ यू हु आर ऑनलाइन प्लीज़ डू राइट टू अस एट info@srishti.org योर फीडबैक, योर सजेशंस, व्हाट क्वेश्चंस वुड यू लाइक मी टू आंसर इन द नेक्स्ट सेशन। And there are two exercises that we have all decided to do today. First exercise is to make a list of things that we find beautiful, things, thoughts, and feelings that we find beautiful.
एंड सेकेंड sit with elders known not known maybe disadvantaged lessons of life right yahan par dusri baat अनमेट नीड्स हम लिस्ट बनाएंगे अनमेट नीड ऐसी चीज़ें जिनका जिनको जिसका जवाब नहीं मिला है और अगर हमारे पास उनको सॉल्व करने का तरीका होगा तो वो भी हम लिखेंगे वो इनोवेशंस भी लिखेंगे तो आज के दो सबक समझ में आ गए सबको करेंगे आप लोग कोई ऐसा है जो कहेगा नहीं मुझे नहीं करना ये बताओ ईमानदार से बोलो जिसका मन नहीं कर रहा है ना मुझे नहीं जवाब देना है इनका मैं उसको भी बात सुनना चाहता हूँ एनीबडी हु थिंक दैट ये वेस्टेज ऑफ टाइम मुझे नहीं करना मेरे पास टाइम नहीं है ईमानदार से बोलो सच सच बोल दो फिर अगर नहीं बोलोगे और फिर नहीं करोगे तो मुझे दुख होगा ना इससे चाबी बता दो ठीक बात है कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है आप क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को प्रोफेसर आपको हमारे टीचर ले आए तो हम आ गए हमारा तो मन नहीं था छुट्टी का दिन था हम मस्ती करते कहाँ ले आए आप हमको ऐसा हो रहा है मन में आ रहा है किसी के बता दो आ रहा है तो भाई देखो बुरा नहीं मानना मैं तो सच बोल सकता हूँ मैं ऐसा टीचर हूँ जिसको जितनी कड़वाहट हो उतना अच्छा लगता है ठीक है ना भाई आप चाहें तो आप इस पर भी भेज सकते हैं MOOC@srashti.org इसके ऊपर भी आप अपने समाधान लिख अपने आइडियाज़ भेज सकते हैं MOOC@srashti.org या info@srashti.org किसी पते पे आप भेजेंगे हमारे पास आपके सवाल पहुंच जाएंगे हर सवाल का मैं जवाब दूंगा हर सवाल का जवाब दूंगा मेरे साथी हैं चेतन है रमेश है यहाँ पर आवृत्ति बैठी है उन्नी है कई सारे लोग बैठे हैं हिरल है गौरी है कई लोग हैं यहाँ पर जो मुझे दिख रहे हैं सागर है और किसी के नाम भावेश भाई भी हैं केवी पटेल भी हैं कई सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं और जो नहीं हैं वो भी मेरे साथ हैं सब लोग उन सब की मदद से हम सबके सवालों का जवाब देंगे एनआईएफ में डॉक्टर विपिन हैं सृष्टि में ज्ञान में अनामिका है सबकी मदद से हम इस पूरे मूक के अंदर सभी सवालों के जवाब देंगे चेतन और कोई सवाल MOOC.srashti.org पे जितने भी लोग हैं वो लॉग इन करें हाँ। तो उनको अपडेट मिलती रहेगी और हमारा कोर्स में जुड़े रहते हैं MOOC.srashti.org ये हमारा ऑफिशियली ऑनलाइन पेज है कि जिसके अंदर ये दो आगे में नहीं ठीक है भाई तो MOOC.srashti.org पर आप लोग रजिस्टर करिए आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी व्यूअर ऑफ दिस फेसबुक लाइव एज वेल एज IMA.vimukti.org. We are sitting in wing 11 of IMA. IMA has been very kind to us to provide these facilities. Anybody and everybody, inshodh.org पे भी हमारे साथ इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं बहुत से लोगों ने स्पॉन्सर किया है इस कार्यक्रम को इस पूरे क्लास को आई वॉन्ट टू रीच ऑल द टीचर्स हु आर मेम्बर ऑफ inshodh.org. आई वॉन्ट टू रीच ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हु आर इन नेटवर्क विद एनी वन ऑफ यू आप सब अपने अपने नेटवर्क में इस विचार को फैलाइए प्रोफेसर विजय शरीचंद का वी आर ग्रेटफुल उन्होंने पूरा सहयोग दिया इस कार्यक्रम में अपने नेटवर्क में उन्होंने सारी बातों को फैलाया है आई एम श्योर योर मेंबर्स मेगा आर ऑल्सो स्टडी आर लुकिंग एट दिस प्रोग्राम प्लीज मेक इट पॉपुलर मेक इट एंड श्योर दिस दैट एवरी स्कूल चाइल्ड हैज़ एन ऑप्शन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस फ्री क्लास इट्स नॉट फ्री एक्चुअली यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट लॉट ऑफ अटेंशन एंड योर क्वेश्चंस आर व्हाट वी वांट So let me close by saying that this has been a great privilege on 71st anniversary of independence to meet you all. मैं आप सबसे मिला 71वीं सालगिरह पर अपनी देश की आज़ादी की इसके लिए मुझे आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन करना है आभार प्रकट करना है एंड आई एम श्योर दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट अस बाय सेंडिंग क्वेश्चंस कमेंट्स सजेशंस स्टोरीज दैट यू विल लर्न फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर ग्रैंड दादा एंड दादी उनकी कहानियाँ उनके जो जीवन के जो उनके रहस्य हैं जिससे उन्होंने
जीवन को संघर्ष करके जिया है इतने दिनों तक, उनकी सम उनके जीवन को हमें जिंदा रखना है, सीखना है उनके नियमों को, उनके अनुभवों को, क्योंकि हर बुज़ुर्ग जो हैं वो एक चलती फिरती पुस्तकालय होते हैं भाई, वो दे आर मूविंग लाइब्रेरीज, व्हेन दे गो अवे वन लाइब्रेरी गोज अवे, राइट, लेट अस टेक बेनिफिट ऑफ देयर्स व्हेन दे आर अराउंड, ठीक है ना, जब तक वो हैं बुज़ुर्गों के ज्ञान को हम लोग इकट्ठा करेंगे, अपने स्कूल में लाएंगे, वहाँ से इकट्ठा करके वो हमारे पास भिजवाएंगे, ठीक है, गुड लक, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ, कोई क्वेश्चन आया, बोलो बोलो बोलो। सर एक रिस्पॉन्ड है आकाश आकाश सिंह का, उसका ये सजेशन है कि हम लोग को युवा लोग की एक टीम बनानी चाहिए जो हर हफ्ते गांव में जाके प्रॉब्लम्स को ढूंढे। सही बात है आकाश, आई थैंक यू वेरी मच, एक्चुअली वी वांट इनोवेशन क्लब्स टू बी सेट अप, लेट मी ऐड दिस पॉइंट, इनोवेशन क्लब विल डू फोर थिंग्स, सर्च इनोवेशंस, स्प्रेड इनोवेशंस, सेलिब्रेट इनोवेशंस बाय हूसोएवर एंड सेंस द अनमेट नीड्स। तो जो आपने बात कही वो चौथी बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को अपना ग्रुप बनाकर, चाहे वह यूथ हों, कॉलेज में पढ़ते हों, स्कूल में पढ़ते हों, आसपास जाएं। हम लोग अलग अलग बस्ती में लेके गए थे उनको, ठीक है ना, कहीं लोहार की बस्ती है, कहीं बड़े की बस्ती है, कहीं पर चम्रकार हैं, कहीं पर हाथ करघा के लोग हैं, कहीं खादी को बुनते हैं, कोई भी काम करते हैं, और वहाँ लेके गए, बच्चों को दिखाया, बच्चों ने फिर बताया कि वहाँ पर उनको क्या क्या तकलीफ़ें दिखीं, जिसका उन्होंने इलाज फिर सुझाव दिया। तो हमें कोशिश करनी है, ये बहुत अच्छा सुझाव है तुम्हारा कि हम लोगों को ग्रुप बनाकर जाना चाहिए, हर स्कूल के बच्चों को, आप आसपास के टीचर से मेरा अनुरोध है, सभी टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वो बच्चों को ग्रुप बनाकर लेके जाएं ऐसी जगह जहां थोड़ी सी वेदना अधिक है, जहां पर समाज की दृष्टि थोड़ा कम पड़ी है, वहां जाएं, वहां देखें अपने आसपास और समझें कि क्या कुछ तकलीफ़ ऐसी है जो हमारी अपनी हो सकती है, उसको अपना बनाएं, सोचें, उसका समाधान अगर मिलता है मन में तो बताएं, नहीं मिलता तो समस्या तो हमसे ज़रूर बांटें, हम उस समस्या को अगली बार लिस्ट में डालेंगे, अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, आप सबसे बात करेंगे अगले सबक में, अगले लेसन में। अगला लेसन कौन सी तारीख को है भाई? एक हफ्ते के बाद हम 22 तारीख को, 22 से 23 में, 22 या 23 में हम लोग अनाउंस कर देंगे, लेकिन आप लोग ब्लॉक रखिए, 22 तारीख को 11 बजे हम लोग फिर मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सबसे सीखें, आप सबसे आपके जो अनुभव हैं, जो आपकी सीख है, जो आपकी तकलीफ़ है, उनको हम सुने, उनसे हम सीखें, हम कुछ सीखें और कुछ सिखाएं, कुछ देखें और दिल को दुखाएं, ताकि वह दुख हमारे मन में सृजनशील विचार पैदा करें और हम सुख को फैलाएं। धन्यवाद। ये बात काम करना है उसको इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से, इतनी तन्मयता से करता है कि वो काम अच्छा हो। तो आज उसने बहुत मेहनत की है, काफ़ी देश के अलग अलग कोणों तक ये संदेश पहुंचाया कि भी हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि बच्चे जो हैं कोई भी, अब सब जगह तो सब टीचर नहीं जा सकते, मैं भी नहीं जा सकता, लेकिन आज के माध्यम से आपसे भी बात हुई और उन बच्चों से बात हुई जो हमारे इंटरनेट के माध्यम से सुखी कृष्ण जी आपको लाए, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी क्लास के बाहर एक बोर्ड लगेगा, इसमें आपके विचार जो आ रहे हैं ना वो आएंगे, और सेग्रीगेशन गेस्ट का अलग अलग होगा, स्कूल में भी होगा, घर में भी होगा, है ना भाई? सही है ना, कर देंगे ना अलग अलग। हाँ, लाना नहीं है प्लास्टिक को, नहीं लाना है, कोशिश करो आप में से जो प्लास्टिक की बोतल आते हैं ना मत लाना, मतलब की बोतल या स्टील की बोतल या कॉपर की बोतल या मिट्टी की बोतल रखो, लेकिन प्लास्टिक की बोतल लाना बंद करो, है ना। पानी प्लास्टिक बोतल पानी के लिए होता है।
मैंने बताया दो महीने का पाँच सौ आप उसको पीते हो और ताज़ा पानी नहीं पीते ना, ये आदत बंद करो आप प्लास्टिक को बदल वाली बात करें आप ताज़ा पानी पी रहे हो कुछ नहीं होगा यार, कैसे बार बार पीता हूँ ताज़ा पानी मैं तो फिल्टर को नहीं पीता हूँ तो आपकी मजबूती बनाएगी उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी ठीक है ना। ये प्लास्टिक को बदल वाली बात है, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम हो, कोशिश करो प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम हो जितना कम, क्योंकि सारी गंदगी का एक मूल आधार अगर एक ही चीज़ कहो ना मुझसे पकड़ने को मैं प्लास्टिक का बदल नदी का 60-70-60% हमारे घरों में इतना प्लास्टिक हो गया हम लोग कोशिश करेंगे देश में भी बड़ी मुंबई चल रही सफाई की कैसे होगी सफाई हम लोग अपने व्यवहार में और एक बात है ये जो बच्चे बैठे उन्होंने क्या किया रक्षाबंधन के दिन रखी का एक त्यौहार मनाया और उसमें भैया से नोट और पेंसिल मंगवाई और जो भी कट थी वो बनासकांठा में जिन बच्चों के पास नहीं थी वो बच्चे अपने अपने गाँव में जाकर अभी आपको सुंदर चीजें देखनी है भाई ना लिस्ट बनाना उनकी फोटो भी खींच लेना अगर तुम्हारे पास सेल फोन है तो ये फोटो भेज सकते हो आप। और दूसरी बात जो तकलीफ है उनकी भी दोस्तों और तीसरी बात बुजुर्गों के सब अभी तीनों बातें याद रखना है ना मेरे और आगे सर मैं बताता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हम सृष्टि की तरफ से केवी पटेल और उनका साल पहले थे क्योंकि उन्होंने करीबन केवी पटेल ने ऐसा बोला था कि अमाउंट मत लिखना हमने इतना किया वरना वो आजकल तो आरटी वाले पढ़ते कितने लाए कहाँ से ठीक है। इतना उन्होंने 3100 स्कीट बच्चों को पहुंचाई है बात और उनके लिए सबसे बेहतर वो है कि उनके 100 टीचर लग गए थे सब को किट बनाना और सब खाना सब खिलाते हैं चाय कोई नहीं खिलाता है। देखो जब काम जब बाढ़ में आदमी काम कर रहे हैं जो सेवक हैं उनको भी चाय चाहिए और जो लोग हैं उनको भी चाय चाहिए ना तत्पर होना चाहिए के लिए तो मुझे बड़ी अच्छा बुरा बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने उसमें बोला था जब उसका अनाउंसमेंट भी किया था कि आपने चाय पिलाई जाकर लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात सर, काफ़ी ऐसे भी लोग थे कि जिसको पानी में रह के पैरों में छाला पड़ गए थे लेकिन उन्होंने काम छोड़ा नहीं था और उन लोगों को हमने साल पहना के उनका वो किया सर जो काम कर रहे थे। और अभी आपसे एक साल उड़ाना गए हैं और सीएम पटेल साहब को जो मालवण से और युवा विंग का काम बहुत आई वो भी बनासकांठा में थे आई और उनकी पूरी टीम लगाई थी तो इधर उपस्थित आपके हाथ से जरूर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे लिए सब अच्छी बात है मैंने 700 बच्चों को सीट दी जो हमें वहीं से करवा रहे थे उनका भी सम्मान एक दोहा है कबीर का गुरु गोविंद दो खड़े ताकि लगो पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। अब रास्ता नहीं बताओ ये कहाँ जाएंगे लेकिन वो तो भाई वहीं से रास्ता है बहुत बढ़िया बात है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है क्योंकि मार्गदर्शन देना मदद करना ये भी कोई छोटा काम नहीं होता है। अंधेरे में टीम मारेंगे तो कैसे फायदा होगा लेकिन जब आप पूरा गाइड किया बहुत अच्छी बात है आपने इस बात का श्रेय उनको दिया है बहुत अच्छी बात। और सर लास्ट में जो केवी पटेल और केवी पटेल इतना काम करते हैं ना उसके पीछे उनका हाथ नहीं है ठीक है श्रीमती जी की श्रीमती जी का पूरा हाथ है तो क्योंकि आपको लगता है कि केवी पटेल फ्री रहते हैं तो इसके वजह से फ्री रहते हैं कि पूरा काम वो कर लेते हैं वो भी अपना भी काम करते हैं उनका भी काम डबल काम और आज भी उनके घर में कोई सर उनके घर में काम करने वाला कोई नहीं है वो घर पे जाके खाना बना के आते हैं और जाके फिर वापस खाना बनाते हैं प्यार है ना।
से भाई खिलाते हैं। वैसे मैं बोलता हूँ कि आज के बाद मैं कुछ नहीं दूंगा सर से आशीर्वाद के अलावा, तो नेकी तुम बचाओ। बहुत बढ़िया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बनी रहे और बड़े बड़ी बने क्यों रहे, बढ़ी रहे, बड़े बढ़ती रहे, है ना। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।